तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले के मामले की जांच के लिए तमिलनाडु गई। बिहार से आला सतही टीम वापस लौट आई है। टीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि जिन वीडियोस की बुनियाद पर सारा मामला हुआ, इतना बड़ा इशू खड़ा हुआ, दरअसल वो सारे वीडियोस ही फर्जी थे। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर ये खास रिपोर्ट। ये वो कुछ वीडियोस हैं जिन्होंने बिहार और तमिलनाडु की राजनीति को 10 दिनों तक हिला कर रख दिया। यही नहीं, प्रवासी मजदूरों में खौफ का माहौल पैदा किया और पुलिस की नींद उड़ा दी। घी में आग का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इन नेताओं में सेंट्रल मिनिस्टर से लेकर पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट तक शामिल हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के एक सेक्शन ने भी इस मामले को खूब उछाला। सोशल मीडिया ने एक बार फिर यह साबित किया कि यूट्यूबर जैसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने से पहले सुनिए भाजपा नेताओं के दावों को। आज भी वहाँ मजदूर सामे हुए, डरे हुए, घरों में बंद है। उनको लाने की व्यवस्था न तो बिहार सरकार कर रही है और न ही, होली का वक्त है, सैकड़ों मजदूर वहाँ से जहाँ काम करते हैं तमिलनाडु में, कई उद्योगपतियों के यहाँ बेचारा आज भी रोजगार के लिए मारे फिर रहा है, भूखे है, प्यासे है, चोटिल है, हिंसक वारदात हो रहे हैं, लेकिन ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और बीजेपी सब चीज़ में इनको, बीजेपी घर में बच्चा हो तो बीजेपी। जिस प्रकार से तमिलनाडु में बिहारियों की चुन चुन करके हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इससे भी अफसोस की बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ और जिस सरकार में बिहारियों की हत्याएं होती हैं उस सरकार के मुख्यमंत्री को बधाई दिया जाता है, उस सरकार के मुख्यमंत्री को तोहफा दिया जाता है कि आपके राज्य में जिस प्रकार बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं उसके लिए तेजस्वी यादव जी एमके स्टालिन को सम्मानित करते हैं। इससे दुखद स्थिति एक बिहारी के रूप में और कुछ भी नहीं हो सकता है। आज तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उसकी पिटाई करके हत्या कर रही है और एक दो नहीं दर्जनों लोग को रात में 9 बजे के लगभग हमको वहां से एक चंदन नाम का मेरे क्षेत्र का डुमरी ग्राम का उसका रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने फोन किया है कि सर हमको बचा लीजिए, फैक्ट्री से मैं भी कह रहा कि जल्दी से तुम लोग निकल जाओ, फैक्ट्री में भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है और कह रहा है कि स्टेशन पर जाएंगे वहाँ पीटेगा, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, खिंच खिंच के मारा जा रहा है, तो हमारी ज़िंदगी को बचा लीजिए। यही मांग को लेकर के आज हमने सदन में सरकार से उठाए। भाजपा नेताओं के बयानों और मेन स्ट्रीम व सोशल मीडिया पर मजदूरों की हत्या और हमले को लेकर आ रही परस्पर विरोधी खबरों का नोटिस लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के अफसरों की टीम भेजकर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कोई सुनियोजित हमला नहीं हुआ है। ये सच्चाई बिहार और तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अच्छी तरह जानते हैं। तेजस्वी ने केंद्र की मोदी सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। एक अखबार है उसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो है बयान जो है वो छपा है, उनका बयान जो है वो छपा है, तो उसमें ये कहा गया है उस बयान में कि जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई और ये बात जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई। ये दो राज्यों का मामला है तो इसमें भाई भारत सरकार का क्या काम कर रहे हैं लोग, भारत सरकार कहाँ कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में, भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती है? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। इसी बीच बिहार की पुलिस उप महानिदेशक STF किम ने कुछ TV चैनलों पर चलने वाले वीडियोस को फर्जी बताया। कुछ चैनल्स द्वारा एक खबर दिखाई जा रही थी कि बिहार के
लोगों के साथ तमिलनाडु में बर्बरतापूर्ण व्यवहार से रिलेटेड कुछ वीडियोस जो हैं वो दिखाए जा रहे थे। यह जानकारी बिहार पुलिस को प्राप्त हुई और इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक बिहार ने महानिदेशक तमिलनाडु से बात की और उनसे यह अनुरोध किया कि इसके संबंध में जो मामले की जो सच्चाई है वो हमारे सामने रखें ताकि हम आपसे इस संबंध में जो है जो प्रॉपर सच्चाई है वो साझा कर सके। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा इन वीडियोस का पुरजोर खंडन किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि पहला जो वीडियो है वो एक उपेंद्र थरी नामक व्यक्ति द्वारा भवन यादव की हत्या से संबंधित वीडियो है और ये जो हत्या है आपसी विवाद में की गई है। ये जो हत्यारा और जो मृतक है दोनों ही बिहार और झारखंड के रहने वाले लोग हैं, इनमें से कोई भी तमिलनाडु का व्यक्ति नहीं है। ये तिरुपुर की घटना है। इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा था, वो जो वीडियो है दूसरा वो कोयम्बतूर का वीडियो है और उसमें एक हत्या का ये वीडियो है। ये इसमें जो मृतक और अक्यूज जो दोनों व्यक्ति हैं वो तमिलनाडु के लोग हैं, उनका कोई सरोकार नॉर्थ इंडिया से नहीं है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में लोग रोजगार के लिए तमिलनाडु आ रहे हैं, उन्हें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोग फर्जी वीडियो बना रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। उत्तर भारत के भाजपा नेता इस तरह की साजिश में शामिल हैं जिससे उनकी बदनीयती जाहिर होती है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि जिस रोज उन्होंने भाजपा का विरोध करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने पर जोर दिया, उसके अगले ही दिन से ये सारा तमाशा शुरू हो गया। फर्जी वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने की बात तमिलनाडु के डीजीपी सी शैलेंद्रा बाबू ने भी कही। 4-7 मार्च के दौरान बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने तमिलनाडु का दौरा करके तमाम पहलुओं की जाँच की। वापस आकर टीम ने जाँच के नतीजों की जानकारी सीएम और मीडिया को दी। तमिलनाडु में चेन्नई, तिरुपुर, कोयम्बतूर जिलाओं में जिला स्तरीय पदाधिकारी और जैसा कलेक्टर, एसपी, पुलिस कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल में रेवेन्यू ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल का लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, उसके साथ साथ इंडस्ट्री एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, बिहार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव, वेरियस एसोसिएशन के जैसा फार्मर्स एसोसिएशन का भी सदस्य रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी है, बिहार से जाके उधर अपना बिजनेस भी करते हैं, सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बिहार से जाके, बिहार के निवासी तमिलनाडु जाके उधर काम कर रहे हैं वो लोगों के साथ भी कई जगह पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाके, विभिन्न जगह में जाके वो लोगों के से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, उनसे विचार विमर्श हुई। स्टेट लेवल में वरीयतम पदाधिकारी का जैसे मुख्य सचिव तमिलनाडु गवर्नमेंट, डीजीपी तमिलनाडु गवर्नमेंट, साथ साथ उनके स्टेट लेवल के वरीयतम पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सारे विषय पर विचार विमर्श हुआ। अब जानते हैं इस विजिट का क्या जरूरी था। जो कुछ वीडियोस को वायरल किया गया था, वायरल वीडियोस के माध्यम से कुछ मैसेजेस न्यूज़ को प्रसारित की गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। बिहार से जाके जो काम कर रहे हैं श्रमिक हैं उनके साथ घटनाएं हुई है, मारपीट की जा रही, इस प्रकार का मैसेजेस था। बिहार सरकार के द्वारा हम लोग के टास्क दिया गया, आप जाके जरूर, मुख्यतः बिहार से जाके काम कर रहे हैं
श्रमिकों से बात कीजिए, उनका समस्या को जानिए, अगर ऐसा घटना हुई है नहीं हो उसके बारे में मालूम कीजिए। डिस्कशन के बाद हम लोग सारी चीज़ों को हम लोगों को दिखाया गया, पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी सारी देखने के बाद ये पाया गया है कि जो मैसेजेस, न्यूज़ आइटम्स, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो के साथ जो प्रसारित की गई थी वो फेक पाया गया है। इसके चलते जो उधर जाके काम कर रहे हैं वो लोगों के बीच में पैनिक का स्थिति थी, जैसा सिचुएशन ना जैसा ये वीडियोस फैलने लगी, दोनों सरकार के द्वारा रिबल्टल्स मतलब वो वीडियो के साथ जो मैसेजेस हैं वो फेक इस प्रकार का प्रसारण किया गया है, इस प्रकार का टीम के द्वारा भी एफर्ट करने के बाद बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स लिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद जो जैसा ही समझने लगा ये फेक न्यूज़, लोगों के बीच में जो तनाव था, जो पैनिक था, भय था, वो बिहार के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि भ्रम फैलाने के लिए फर्जी वीडियो को बाकायदा पटना में शूट किया गया। कुल अभी तक 30 वीडियो एवं पोस्ट चिन्हित किए गए हैं जिसके बारे में गहन अनुसंधान किया जा रहा है। इस कांड में सत्यापन के क्रम में 26 अन्य ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट्स को भी चिन्हित किया गया है जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। 42 सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए नियमों के अनुसार प्रिजर्वेशन नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि उनका साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में उपलब्ध रहे। इस कांड में 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया था जिसमें अमन कुमार नाम के अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। अद्यतन जानकारी यह है कि एक और वीडियो है जो गलत पाया गया है। 8 मार्च को इस कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप, जो BNR न्यूज हनी नामक YouTube चैनल का एक वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें पट्टी बांधे दो लोगों को दिखाया जा रहा है, उस ट्वीट में जो टैग वीडियो था वो देखने से ही संदिग्ध लग रहा था। उसकी जांच की गई और जांच के अनुसंधान के क्रम में वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति राकेश रंजन कुमार को गोपालगंज से पूछताछ हेतु पुलिस के द्वारा लाया गया। उसने अपने पूछताछ में सारी बात स्वीकार कर ली और उसने ये बताया कि 6 मार्च को उसने यह फर्जी वीडियो 2 अन्य लोगों के सहयोग से बनाया था और ये भी बताया कि इस वीडियो को जक्कनपुर के एक बंगाली कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में शूट किया और उसके बाद इसको अपलोड किया ताकि पुलिस के अनुसंधान को गलत दिशा दी जा सके। पूरे मामले को झूठ फैलाकर किस तरह बिगाड़ा गया इसका एक सबूत बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर में रहने वाले रविंदर महतो का है। इसका भेद गोपालगंज के SP ने खोला। इसमें गोपालगंज पुलिस को 7 मार्च को सूचना मिली थी लोकल मुखिया के माध्यम से कि रविंद्र महतो है गांव के रहने वाले और उनकी हत्या तमिलनाडु राज्य में कुछ लोगों के द्वारा अटैक कर दिया गया है। इसमें हम लोगों ने तुरंत तिरुपुर पुलिस जो तमिलनाडु राज्य में है वहाँ कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने इस घटना से इनकार किया। हम लोगों ने आगे जाँच की और जाँच के क्रम में पता चला कि ये लोग तमिलनाडु कभी गए ही नहीं थे और ये बेंगलोर में रह रहे थे और बंगलोर पुलिस से हम लोगों ने कांटेक्ट किया तो पता चला कि रविंद्र महतो की मृत्यु ट्रेन से कटकर हुई है और उनके जो साथी है और वो गलत अफवाह फैला रहे थे, गलत बात बता रहे थे और इसके लिए उनके साथियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण मामला बिहारियों की मजदूरी और उनके पलायन का है। बिहार लौटे कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि बिहार के कुछ मजदूर कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजदूरी का रेट खराब होने की वजह से तमिलनाडु के श्रमिकों में नाराजगी है। ये तमिलनाडु को बिहार यूपी वाला को इसलिए मारा जा रहा कि ये बिहार यूपी वाला 400-500 रुपया में काम कर रहा। पलायन की समस्या को उठाते हुए BJP के MLC सम्राट चौधरी कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। मैंने तो कहा, नीतीश कुमार जी को कहा कि 17 साल हो गए मुख्यमंत्री जी आपको और आज भी लोग यदि पलायन कर रहे हैं इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। क्यों पलायन करेंगे? हम दुनिया के सबसे ज़्यादा घनत्व वाले प्रदेश जरूर हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग वाले भी हैं। पूरे बिहार के लोग IAS और IPS जो इस देश का सबसे ज़्यादा परीक्षा का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे अधिक बिहार के लोग पास करते हैं।
तो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन क्यों नहीं होगा? 17 साल रहने वाला मुख्यमंत्री यदि बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है तो इसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पलायन की समस्या का एहसास तब शिद्दत से हुआ था जब कोरोना काल में देश भर से लगभग 25 लाख मजदूर बिहार वापस लौटे थे। इसे रिवर्स माइग्रेशन का नाम दिया गया था। नीतीश सरकार ने पलायन रोकने के लिए जॉब कार्ड बनाकर बिहारियों को रोजगार देने की योजना बनाई थी, लेकिन उस योजना पर संपूर्णता में काम नहीं हुआ। इस कारण धीरे धीरे बिहारी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में फिर प्रदेश से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। इस नाकामी के लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है, क्योंकि 2017 से 2022 तक नीतीश के साथ सत्ता में वही थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा शोर वही मचा रही है। इस पूरे मामले से ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा हुकूमत किसी भी हालत में काबिले कबूल नहीं है। उसे सिर्फ मौका चाहिए, और मौके को भुनाने के लिए उसके पास सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया है ही। इसके लिए जनता को ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।